सुरसरमर आदमी लता दी का बनारस से गहरा रिश्ता था। वो अपने जीवन काल में एक ही बार बनारस आ सकी थी, लेकिन फिर यहाँ आने का उनका बहुत बड़ा सपना था जो पूरा ना हो सका। लता दी को बनारसी साड़ियों का बहुत शौक था। वो यहाँ की साड़ियाँ निर्माता व व्यवसायी सगे भाइयों अरमान और रिजवान के यहाँ से ही बनाया करती थी। इस बीच उनके परिवार से ऐसा खास रिश्ता बन गया कि वे दोनों भाई उन्हें माँ कहते थे और वे भी उन्हें अपना बेटा मानने लग गई। अक्सर पूरे परिवार से उनकी बातचीत होती रहती थी और तेज त्योहार पर वो उन्हें कपड़े और मिठाई अभी भेजा करती थी। अभी उनके स्वास्थ्य के लिए अरमान ने बीती 20 जनवरी को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उनके नाम से बाबा का अभिषेक भी करवाया था। उनके निधन की खबर सुनकर पूरा परिवार शोकाकुल है। सुबह से ही लोगों के फोन उनके यहाँ पर आ रहे हैं। अरमान बताते हैं कि लता दी से उनका संपर्क वर्ष 2015 की मई में हुआ था, जब उनके व्यक्तिगत सहायक महेश राठौड़ उनके परिवार के अन्य सदस्य और भाई हृदय मंगेशकर के साथ काशी यात्रा पर आए थे। तब लता दी के लिए साड़ियां खरीदने के लिए वह गौरीगंज स्थित उनकी दुकान पर पहुंचे। उसी समय उनकी पसंद जानने के लिए अरमान से मोबाइल फोन से लता दी से बात कराई। बातचीत के क्रम में लता दी ने उन्हें साड़ियां लेकर मुंबई आने को कहा। एक महीने बाद वह साड़ियां लेकर मुंबई स्थित उनके घर प्रभु कुंज अपार्टमेंट पहुंच गए। बताते हैं कि बातचीत के दौरान उन्हें लता दी के स्नेह में माँ की छवि और सरलता नजर आई और भावावेश में उन्हें माँ बोल दिया। फिर तो माँ बेटे का यह रिश्ता स्थायी बन गया। लगभग हर महीने और कभी कभी हफ्ते में उनसे बात हो जाया करती थी। साल में 3-4 बार मुंबई जाने पर उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद लेना अरमान और रिजवान की दिनचर्या बन गया। पूरा परिवार उनके स्नेह की छाया प्राप्त करने लगा। ईद बकरी ईद हो या होली दिवाली या फिर घर में बेटे बलाल या बेटी गुशारका में उनके बेटों बेटियों को लता दी अपना पोता पोती, ऐसे बहुत सी पारिवारिक बातचीत के क्लिप उनके मोबाइल फोन में आज भी सुरक्षित है।